नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y51 वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y51 में 6.45 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Vivo Y51 से कम है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y51 में 2.96 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y51 में 0.33 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y51 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y51 में 188 ग्राम जबकि Redmi 10 Prime में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Vivo Y51 में 21:9 जबकि Redmi 10 Prime में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y51 में 6.58 इंचेस जबकि Redmi 10 Prime में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y51 में 1080x2408 और Redmi 10 Prime में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y51 में 84.75% जबकि Redmi 10 Prime में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y51 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 10 Prime में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y51 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 Prime की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y51 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 Prime की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y51 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Redmi 10 Prime में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y51 में Adreno 610 जबकि Redmi 10 Prime में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y51 में Qualcomm Snapdragon 662 और Redmi 10 Prime में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y51 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y51 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo Y51 में अप टू 1TB जबकि Redmi 10 Prime में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y51 में 5000 mAh जबकि Redmi 10 Prime में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Vivo Y51 में दो कलर्स जबकि Redmi 10 Prime में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y51 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,790 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 Prime की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 Prime आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 Power है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F22 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।